हेलो फ्रेंड्स, एके गार्डन में आपका स्वागत है। तो फ्रेंड्स, आज जो देखिए मेरे गार्डन में कितने खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं। ये देखिए, ये पिटोनिया है, इतने छोटे से बकेट में लगा हुआ है फ्रेंड्स, लेकिन फ्लावर्स की कोई कमी नहीं है, फूलों से पूरा भरा पड़ा है फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पर भी देखिए फ्रेंड्स, कितने खूबसूरत से फ्लावर्स खिले हुए हैं। तो फ्रेंड्स, आज का जो मेरा वीडियो का टॉपिक है फ्रेंड्स, मैं आपको अपने गार्डन का ओवरव्यू दूंगी, कौन से प्लांट्स मैंने न्यू ख़रीदे हैं वो भी मैं आपको दिखाऊंगी, और समर की मैंने क्या क्या तैयारियां शुरू कर दी हैं वो भी आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूं। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा फ्रेंड्स, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा, और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी, क्योंकि आप लोग कमेंट करेंगे फ्रेंड्स और चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तभी मुझे मोटिवेशन मिलेगा, ताकि मैं अपने पढ़ाई के साथ साथ चैनल पर भी अपना ध्यान दे पाऊँ। और बहुत मुश्किल होता है फ्रेंड्स मेरे लिए प्लांट्स लाना और ये सब करना, लेकिन शौक़ जो होता है ना फ्रेंड्स, सब कुछ अपना टाइम निकाल ही लेते हैं और कर ही लेते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहले मैं आपको अपने गार्डन के कुछ खूबसूरत से फ्लावर्स दिखा, सबसे पहले तो मैं आपको अपने गार्डन में खूबसूरत से जो फ्लावर्स खिले हुए हैं वो दिखाती हूँ। तो ये मेरा मेन प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, ये जीनिया का जो है मेरा मेन प्लांट है, ये डेली फ्लावर्स से पूरा भरा रहता था, लेकिन मैंने इसके फ्लावर्स देखिए इस तरह से हो गए थे, तो मैंने इन्हें कट करके हटा दिया है, कलियाँ फिर से बन गई हैं, ये फिर से फूलों से भरा रहेगा। और इसी के देखिए यहाँ पर येलो फ्लावर्स वाला जीनिया है, ये देखिए पूरा फ्लावर्स से जो है भरा पड़ा है, ये देखिए, मतलब ये डेली फूलों से भरा ही रहता है और इसके फ्लावर्स जल्दी स्पेंड भी नहीं होते हैं। और यहीं पर येलो के बगल में यहाँ पर इस तरह से पर्पल कलर का पिटोनिया, बहुत खूबसूरत लगता है दोनों का कलर, यहाँ पर येलो और पर्पल बहुत प्यारे, और फ्लावर से ये भरा ही रहता है हमेशा, ये देखिए। यहाँ पर देखिए, ये मेरा दो तरह के कोलियस को मैंने एक ही पॉट में लगाया है, यहाँ पर ये नियॉन कलर वाला है और यहाँ पर ये इस कलर का देखिए, और मैंने इन्हें पिंच कर करके पूरा बॉल शेप दे दिया है, बहुत ही खूबसूरत लगते हैं फ्रेंड्स दोनों साथ में। और ये देखिए इस तरह से इसका लुक आता है पूरा बॉल शेप में, और इतना खूबसूरत है, इसको बस पिंच करते रहिए आप और एकदम बुशी सा प्लांट हो जाता है। यहाँ पर है मेरा ब्यूटीफुल सा जरबेरा फ्रेंड्स, देखिए कितना प्रिटी सा कलर है इसका, और इसकी स्टिक देखिए ज़्यादा लंबी नहीं जाती है, इतनी बड़ी स्टिक में ही इसमें देखिए फ्लावरिंग होती रहती है, मुझे ज़्यादा लंबी स्टिक पसंद भी नहीं है, जबकि ये देसी जरबेरा है। तो देखिए कितना खूबसूरत सा फ्लावर आया है इसमें। यहाँ पर ये मेरा ऑरेंज हिबिस्कस है, अभी बहुत छोटा सा प्लांट है। यहाँ पर मैंने अपने सारे जो इस साल मैंने लिए थे क्रिजैंथेमम के प्लांट्स, उनको सेव करके रखा है, कलियाँ भी बन रही हैं इसमें, ये देखिए। ये मेरा पिटोनिया, स्टार पिटोनिया है, इसके फ्लावर्स मैंने कट करके हटा दिए, इसमें फिर से फ्लावरिंग होगी। और इसके बाद ये देखिए, ये मेरा जेरेनियम का प्लांट है, कलर से ही आपको पता चल रहा होगा इसमें रेड कलर के फ्लावर्स आएंगे, दो बर्ड्स, ये एक बर्ड आई है इसमें, कली आई है, और ये एक और कली आई है, ये देखिए एक और कली आई है इसमें। यहाँ पर मेरा यूफोर्बिया मिली का प्लांट है फ्रेंड्स, ये देखिए, और कलियाँ तो इसमें देखिए भरपूर आए हुए हैं। तो मैंने इसकी कटिंग लगाई थी, मैंने इसे ख़रीदा नहीं था, मैं इसकी कटिंग लेकर आई थी और कटिंग से ही मैंने ये प्लांट तैयार किया है। यहाँ पर देखिए, ये मेरा गोल्डन दुरांता है, यहाँ पर लोरोपेटलम है, गोल्डन दुरांता को मैं हमेशा कट करते रहती हूँ, इसलिए इतना बुशी हो गया है फ्रेंड्स, और जेरेनियम भी बहुत जल्द फ्लावरिंग होगी। और ये मार्गरेट डेजी है फ्रेंड्स, कलियाँ आ गई हैं, मैंने इसे पिंच कर दिया था क्योंकि ये बहुत पतला सा और बहुत कमज़ोर सा प्लांट नर्सरी से मुझे मिला था, मैंने इसे पिंच करके देखिए कितना बूसी सा हो गया है। और तो यहाँ पर देखिए, ये पर्सलिन का प्लांट है, मैंने इसे सेव करके रखा था और मैंने इसे लगा दिया है एक बड़े से बकेट में, और न्यू ग्रोथ इनमें स्टार्ट हो गई है। तो अब आप भी जो है पर्सलिन हो गया, पर्चुलाका हो गया, आप इसकी कटिंग लगा सकते हैं और इन्हें ग्रो कर सकते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो फ्रेंड्स, ये देखिए,
कैलेंचो का प्लांट, इसमें तो ये डेली फ्लावर से पूरा भरा ही रहता है और इतने खूबसूरत से फ्लावर्स होते हैं इसके, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा पसंद है इसके फ्लावर्स और कलर तो इतने प्रिटी होते हैं ना फ्रेंड्स कि आप देख ही सकते हैं। और ये यहाँ पर देखिए एक और पिटोनिया है, ये देखिए पूरा फ्लावर से भरा पड़ा है, भरपूर फ्लावरिंग होती है फ्रेंड्स पिटोनिया में। तो विंटर में आप इस प्लांट को ज़रूर अपने गार्डन में ऐड करें और समर तक इसमें फ्लावरिंग लेते रहें। और मैंने इन्हें 15 जनवरी के बाद से कोई इनमें मैंने फर्टिलाइज़र भी नहीं दिया है और अब दूंगी भी नहीं, इतना फर्टिलाइज़र इनके लिए काफ़ी है। और देखिए इसमें कितने भरपूर फ्लावरिंग हो रही है, इनमें बहुत अच्छी तरह से प्लांट ग्रो हो रहे हैं फ्रेंड्स, बिल्कुल दिल खुश हो जाता है गार्डन में आकर और इनके फ्लावर्स देखकर। और यहाँ पर देखिए विंका के प्लांट्स जो मैंने इन्हें लेकर आई थी, फ्लावरिंग नहीं होने दे रही थी मैं क्योंकि मैं इन्हें बार बार पिंच कर दे रही थी और पिंच करने का रिजल्ट आप देख सकते हैं कि ये पूरा जो है बुशी हो गया है। ये वाला एक और कलर है मेरे पास, ये रेड कलर वाला है, अभी इसमें फ्लावरिंग हो रही थी लेकिन इन्हें मैंने फिर से पिंच कर दिया है। और ये देखिए बेबी पिंक कलर में कितना खूबसूरत सा प्लांट है। ये मैंने मैरीगोल्ड की कटिंग लगाई थी, देखिए जो मेन मैरीगोल्ड का प्लांट था फ्रेंड्स वो ख़राब हो गया बारिश में, लेकिन मैंने कटिंग से ये दो प्लांट बचाकर रखे हुए हैं और इनमें मैं समर में भी फ्लावरिंग लेती रहूँगी। और ये देखिए ये मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसका हाइट आप देख सकते हैं, बिल्कुल छोटा सा प्लांट है और फ्लावरिंग तो इसमें डेली होती रहती है, कलियाँ इनमें भरी रहती है। मैं दिखाती हूँ आपको, ये देखिए कलियाँ जो है इनमें भरी रहती है, कितना खूबसूरत सा ये हिबिस्कस का फ्लावर है। और यहाँ पर देखिए डैंथस के फ्लावर्स, ये तो पूरा भरा ही रहता है पूरा बकेट, इसमें स्पेंट फ्लावर्स को बस आप हटाते रहेंगे इनमें फ्लावरिंग होती रहेगी। यहाँ पर ये देखिए ये वाला मेरा फेवरेट प्लांट है, इसमें का इतना खूबसूरत सा फ्लावर होता है फ्रेंड्स, ये देखिए एक कलर इसमें ये लगा हुआ है, एक कलर ये लगा हुआ है, मिक्स एंड मैच होकर देखिए इस तरह का फ्लावर आ रहा है, कितना खूबसूरत सा देखिए नया फ्लावर आया है। यहाँ पर मेरा मैरीगोल्ड है जाफरी वैरायटी, यहाँ पर देखिए मैंने डैंथस की कटिंग लगाई थी और वो भी कितनी अच्छी तरह से चल रहा है, हिबिस्कस के पॉट में लगाया था मैंने। ये वाला प्लांट मैंने न्यू ख़रीदा है फ्रेंड्स, ये देखिए छोटे से पॉली बैग में लगा हुआ एकदम बिल्कुल छोटा सा प्लांट है, देखिए कैलेंचो का प्लांट है, बेबी पिंक कलर के फ्लावर्स आएंगे इसमें और इसी प्लांट को मैंने लिया है, यही प्लांट मुझे 60 रुपये में मिला है, काफ़ी छोटा सा प्लांट है। और हमारे यहाँ पर बहुत महंगे महंगे प्लांट्स मिलते भी हैं, इनको मैंने रिपोर्ट कर लिया है, हिबिस्कस के प्लांट है पॉली बैग में मैंने इनको रिपोर्ट कर लिया है। यहाँ पर कटिंग्स लगाई हैं कुछ प्लांट्स की, और ये कटिंग लगाई है मैंने चंपा की, देखिए ये एक और प्लांट ऐड किया है, इसका भी फ्लावर जल्दी खिलेगा फ्रेंड्स। यहाँ पर देखिए सारी कोलियस की कटिंग है, सारी लग गई हैं, ये 4 o'clock के प्लांट है, सीड से ग्रो किए थे। यहाँ पर भी देखिए कटिंग लगा, कुछ क्रिसैंथेमम को मैंने यहाँ पर सेव करके रखा है और इसी तरह से मैं आटे चावल की जो बोरी आती है उसमें मैं इन्हें सेव करके रखती हूँ और ये 2 साल हो गए हैं इसके। और बकेट लिया इसी में मैं कटिंग लगाती हूँ, इसमें कटिंग लगी हुई है डहेलिया की, पेंटास है इसमें, विंका है, देखिए इस तरह से खूब सारी कटिंग मैंने लगाई हुई हैं क्योंकि मुझे पेंटास और विंका के प्लांट बहुत पसंद है, बहुत ब्यूटीफुल से फ्लावर्स आते हैं तो बहुत जल्दी कटिंग लग जाएगी और कुछ तो लग भी गई है, ये वाली कटिंग लग भी गई है। ये जो है डबल चांदनी का प्लांट है, इसकी मैंने कटिंग लगाई थी और इसकी देखिए विंटर में इसकी ग्रोथ रुक गई थी लेकिन देखिए अब इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। यहाँ पर मेरा हिबिस्कस का प्लांट है, इसको भी देखिए इसमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। और ये मेरा पेरेनियल वर्बिना का प्लांट है फ्रेंड्स, देखिए इसमें तो कली भी आ रही है, ये आपको दिखाई दे रहा होगा, ये इसमें बर्ड्स बन रही हैं। तो उसके बाद फ्रेंड्स ये देखिए कल मैंने गार्डन में बहुत सारा काम किया है तो यही सब मैं आपको दिखा रही हूँ। हमारे यहाँ पर जो है अब पर्सलिन पोर्चुलाका में न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है तो मैं इस तरह से इनकी कटिंग्स लगा रही हूँ, छोटे छोटे 20-20 रुपए के, देखिए मैंने ये बकेट्स लिए हैं, ये देखिए कुछ इस तरह के बकेट्स हैं, काफ़ी छोटे छोटे बकेट्स हैं और इन्हीं में मैंने कल इनकी कटिंग लगाई है, ये देखिए कितने सारे, शायद ये ऑरेंज कलर वाला है और ये येलो कलर वाला है और ये पता नहीं कौन से कलर है, मुझे इनके कलर्स नहीं पता, फ्लावरिंग होगी तो पता चलेगा। तो और भी बकेट्स मैंने अभी खाली किए हुए हैं, इनमें भी मैं यही सब कटिंग लगाने वाली हूँ।
ये देखिए ये वाला प्लांट जो है, कितनी अच्छी ग्रोथ इसकी विंटर में भी हुई, फ्लावरिंग भी होती रही है। इन्हें मैंने देखिए कट कर दिया है, इनको मैंने कट किया फ्रेंड्स, ये देखिए यहाँ से कट किया, इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई। ये देख रहे हैं आप, ये देखिए इस तरह से इनमें न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। तो अभी जो आपके परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स हैं उनकी आप कटिंग कर सकते हैं, रूट प्रूनिंग कर सकते हैं। और फरवरी का महीना स्टार्ट हो गया है, इस टाइम पर ही इनकी ये सब रूट प्रूनिंग वगैरह कटिंग वगैरह कर देनी चाहिए। कटिंग लगा लीजिए परमानेंट फ्लावरिंग प्लांट्स की। ये एक प्लांट मुझे बहुत दिनों से चाहिए था फ्रेंड्स, और मुझे मतलब बहुत ही पसंद था प्लांट है, और मैं इसे बहुत दिनों से ढूंढ रही थी और मुझे मिलता ही नहीं था, लेकिन फाइनली ये प्लांट मुझे मिल गया और मैं बहुत ही ज़्यादा खुश हूँ क्योंकि ये प्लांट मुझे बहुत दिनों से। चांदनी का प्लांट है, इसको भी मैंने देखी इस तरह से ख़राब हो रहा था धूप में, तो मैंने इसकी रूट प्रूनिंग करके इसको भी पॉट में लगा दिया। इधर सारे इंडोर प्लांट्स हैं फ्रेंड्स, इधर का एरिया मैं ज़्यादा आपके साथ शेयर नहीं करती हूँ, तो इनमें भी न्यू ग्रोथ स्टार्ट हो गई है। ये देखिए न्यू ग्रोथ इनमें भी स्टार्ट हो गई है, तो आप इस समय इनकी भी कटिंग लगा सकते हैं या फिर इन्हें इनकी भी प्रूनिंग कर सकते हैं और न्यू प्लांट बना सकते हैं फ्रेंड्स।